आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कहते हैं अपराधी अपने जुर्म को छिपाने की लाख कोशिशें करे लेकिन जुर्म छिपाए नहीं छुपता। कुछ ऐसा ही देहरादून की शांत वादियों में भी हुआ, जब एक 18 साल के युवक की हत्या हो जाती है और उसका शव बरामद किया जाता है देहरादून के रायवाला में नेपाली फार्म में। लेकिन जब तफ्तीश शुरू होती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। तारीख 4 दिसंबर, जगह नेपाली फार्म रायवाला देहरादून। एक आरोपी की निशानदेही पर उत्तराखंड पुलिस ने यहां एक युवक का शव बरामद किया है। जल्द ही इस युवक की शिनाख्त कर ली गई। 18 वर्षीय मृतक का नाम अरमान है, जो कि बिजनौर का रहने वाला है। अरमान के मामा आलम ने पुलिस को अपने भांजे की गुमशुदगी की जानकारी दी थी। उत्तराखंड की मित्र पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना बड़ी चुनौती थी, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी को उचित दिशा निर्देश दिए और इसके बाद एसपी देहात सीओ प्रेमनगर दीपक कुमार, थाना सेलाकुई के एसओ मनमोहन सिंह नेगी समेत तमाम पुलिस कर्मियों की टीम गठित की गई, जिसके बाद गुमशुदा अरमान की तलाश शुरू हुई और महज 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की परत दर परत खोल कर रख दी। गुमशुदा की तलाश में पुलिस ने मुशीर अली नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने युवक की हत्या करना कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी मुशीर ने जो राज उगले उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक प्यार में आपने डबल एंगल की बात सुनी होगी, प्रेम प्रसंग में ट्रायंगल की बात सुनी होगी, लेकिन देहरादून की शांत फिजाओं में जब यह हत्याकांड हुआ तो सामने आया लव का 4 एंगल। तो क्या है इस पूर्व हरमान हत्याकांड की कहानी और आखिरकार कैसे रिश्तों का कत्ल इस पूरे हत्याकांड में हुआ, आइए आपको बताते हैं। अक्टूबर 2021, जगह सेलाकुई। 35 वर्षीय मुशीर अली अपनी बीवी सरफू निशा और 2 बच्चों के साथ सेलाकुई में रहता था। उसकी बीवी सरफू निशा एक सड़क हादसे के बाद मानसिक रूप से बीमार रहती थी, जिसके बाद मुशीर अली ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी है बबीता मानो। मुशीर अली अपने 2 बच्चों और 2 बीवियों के साथ एक ही घर में रह रहा था। शादी के कुछ दिन बाद मुशीर की दूसरी बीवी बवली बानो और सरफुनिशा के बीच झगड़े शुरू हो गए। इससे तंग आकर मुशीर की पहली बीवी सरफुनिशा अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। पहली बीवी के जाने के बाद मुशीर और बबली बानो चैन से अपने दिन गुजारने लगे। मुशीर अली, बबली बानो, अरमान और किरण साहनी, जी हाँ, ये वही प्रेम प्रसंग है जिस प्रेम प्रसंग में 4 एंगल्स हैं। पहले मुशीर अली बबीता बानो के बीच प्रेम, उनकी शादी, और इसी बीच इस शादी में 18 साल के नवयुवक अरमान की एंट्री, और यहीं से कहते हैं कि वो कहानी अंजाम हुई, वो कहानी आगे बढ़ी जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई। देखिए आगे क्या हुआ। मुशीर और बबली के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अचानक उनके घर में एक अनजान शख्स ने दस्तक दी। तब मुशीर और बबली को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि ये नया मेहमान उनकी जिंदगी और उनके रिश्ते को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। मुशीर अली के घर पहुंचा। ये शख्स अरमान है, जिसकी उम्र 18 साल की है, जो गली गली घूमकर लोगों के प्रेशर कुकर ठीक किया करता है। मुशीर की बीवी बबली बानो ने उसे प्रेशर कुकर ठीक करने के लिए घर पर बुला लिया और यहां से शुरू हुआ दोनों के बीच एक खतरनाक रिश्ता। अरमान और बबली बानो की आंखें चार हुई और दोनों का दिल प्रेम के सागर में हिलोरे मारने लगा। अब मुशीर की गैर हाजिरी में दोनों घर पर मिलने लगे। इनका प्यार यूं ही परवान चढ़ने लगा, लेकिन इनका संबंध ज्यादा दिन पर्दे में नहीं रह पाया।
इन दोनों के अवैध रिश्ते की फनक मुशीर को लग गई और एक दिन उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मुशीर बदले की आंख में चलने लगा। वो अपनी बीवी बबली बानो के उजान से मारने का मन बना चुका था और इसी बीच उसे बबली बानो के दोस्त किरण साहनी का पता चला। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। मुशीर अली ने किरण साहनी से दोस्ती की और बबली बानो के कई राज उससे उगलवा लिए। अब मुशीर और किरण साहनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। बाद में मुशीर ने किरण साहनी के साथ मिलकर अपनी बीवी बबली बानो को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और एक दिन मौका देख दोनों ने बबली बानो को मौत के घाट उतार दिया। 18 साल का अरमान मौत के आगोश में समा चुका था। ऐसे में मुशीर अली के मन में अभी भी क्या चल रहा था? क्या वो अगला कदम उठाने वाला था? क्योंकि मुशीर अली और किरण साहनी एक हो चुके थे, तो ऐसे में उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने एक और हत्या को अंजाम दिया और ऐसे में एक और खूबसूरत रिश्ते का कत्ल हुआ। आइए आपको बताते हैं। मुशीर और किरण ने बबली बानो को रास्ते से हटा दिया था। अब दोनों मिलकर जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन अभी इस कहानी में कई चौंका देने वाले उतार चढ़ाव बाकी थे। कुछ दिन बाद मुशीर को पता चला कि जिस अरमान के साथ उसकी दूसरी बीवी बबली बानो के अवैध संबंध थे, उसी अरमान के साथ उसकी माशूका किरण साहनी के भी अंतरंग संबंध हैं। इस बात से मुशीर सन्न रह गया। उसने किरण साहनी से उसके और अरमान के रिश्ते के बारे में पूछा, जिस पर किरण साहनी ने उसे बताया कि अरमान के साथ उसके संबंध रहे हैं मगर अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर यकीन कर मुशीर ने एक खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। इस बार उसने किरण साहनी की मदद से अपनी बीवी और प्रेमिका के आशिक अरमान को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। बबली बानो की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश को मुशीर और किरण साहनी किसी अनजान जगह पर ठिकाने लगा चुके थे। ऐसे में अरमान लगातार बबली बानो की तलाश कर रहा था और बार बार मुशीर और किरण साहनी को फोन कर बबली के बारे में पूछ रहा था। उसे इस बात का शक हो चुका था कि हो ना हो मुशीर और किरण ने मिलकर बबली बानो के साथ कुछ कर दिया है। मुशीर को भी इस बात का अंदेशा था कि अरमान को आज नहीं तो कल बबली की मौत का पता चल ही जाएगा। ऐसे में उसे रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। फिर एक दिन अचानक अरमान के फोन पर मुशीर का फोन आया। उसने अरमान को अपने घर बुलाया और कहा कि उसे कुछ बात करनी है। जैसे ही अरमान मुशीर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में किरण साहनी अकेली बैठी है। दोनों के बीच पुराना रिश्ता फिर जागने लगा। तभी मुशीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने पीछे से अरमान के गले में चादर का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। और बाद में शव को देहरादून से दूर नेपाली फार्म के पुराने पुल के नीचे ठिकाने लगा दिया। दिन 4 दिसंबर। अरमान हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस जल्द ही सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी मुशीर तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों मुशीर अली और किरण साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मुशीर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अरमान की हत्या का पूरा सच बताया। जब उसकी बीवी के बारे में पूछा गया तो पहले उसने बीवी बबली बानो की हत्या से इनकार किया, मगर पुलिस की सख्ती के आगे मुशीर और किरण टूट गए और दोनों ने अरमान बबली की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। मुशीर ने बताया कि उसने बबली बानो की बॉडी रुड़की स्थित पिरान कलियर के आसपास कहीं झाड़ियों में फेंक दी थी। पुलिस ने मुशीर अली की निशानदेही पर बबली बानो के शव की तलाश शुरू कर दी है। अवैध संबंधों के जाल और हत्या की गहरी साजिश में उलझी इस कहानी को सुनकर पुलिस के होश भी उड़ गए हैं। जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की निशांतवादियों में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने ये बताया कि आखिरकार रिश्तों में कितनी सच्चाई थी और इन्हीं रिश्तों में जब कोई आदमी धोखा खाता है तो वो क्या कर गुजरता, और ये भी कि आखिरकार जुर्म आप लाख छुपाए। अपराधी चाहे अपने जुर्म को लाख छिपाने की कोशिश करे लेकिन जुर्म छिपाए नहीं छिपता। तो जुर्म की इसी तरह की और भी दास्तान आपके हम लेकर आते रहेंगे और भी देश दुनिया की तमाम खबरें लाते रहेंगे, लेकिन आज के इस क्राइम डायरी में अभी के लिए बस इतना। और भी खबरें आप तक लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।